रतलाम जिला सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ हो रही लापरवाही आपके होश उड़ा देगी। यहाँ आईसीयू में एक महीने से भर्ती मरीज के पैर चूहों ने कुतर दिए। ये मरीज काफी वक्त से कोमा में था, जब इसकी तस्वीर सामने आई तो पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया और आनन फानन में मरीज की मरहम पट्टी शुरू की गई। जिस मरीज के पैर को चूहे ने खाया है वो लगभग 2.5 महीने से जिला अस्पताल में भर्ती है। 8 मई को एक सड़क दुर्घटना में सुरेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था। सिर में गंभीर चोट लगने के चलते वो कोमा में चला गया था, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था, लेकिन चूहे मरीज का पैर कुतर गए। इस पर अस्पताल प्रबंधन भी कार्रवाई के बजाय लीपापोती कर रहा है। पहले भी चूहों के कुतरने की घटनाएं जिला अस्पताल में हो चुकी है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदल चंदेलकर ने बताया कि बारिश के कारण जिला अस्पताल में चूहे बढ़ गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही पेस्ट कंट्रोल करवाया गया था। रतलाम से संवाददाता की रिपोर्ट। कौन परिचित आपके? मेरा लड़का है, सूरज सिंह बाल्टी। क्या परेशानी आई इनको? 8 मई को एक्सीडेंट हुआ था रिंगनोक गांव के पास। अभी क्या परेशानी आई रात को? अभी रात में तो इसके चूहे ने काट ली है। अभी सुबह होते 4 बजे तक तो सही था, मैं 4 बजे उठा था, तो उसके बाद में जब मैं कंप्यूटर में चलता रहता है तो इसके पेयर को पूरा खून निकल रहा था। फिर सिस्टर को बुलाया मैंने, दिखा मैंने सिस्टर के चूहे ने काट लिया, फिर पेयर को पूरा पीछे निकल रहा था। फिर उन्होंने इसके ऊपर दवाई वगैरह लगाई। सही है, अभी बारिश की वजह से काफ़ी चूहे बढ़ गए हैं और अभी हमने 3 दिन पहले ही पेस्ट कंट्रोल कराया है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी चूहे ख़त्म नहीं हो पाए हैं। और चूहों की सबसे बड़ी समस्या इस वजह से इस समय है, एक तो बरसात का सीजन है, चूहों के बिलों में पानी घुस गया है, तो चूहे जो है सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे अस्पतालों में भी चूहे आ रहे हैं। हम लोग दवाई डाले हैं इसके बाद बावजूद भी चूहे पूरी तरह ख़त्म नहीं हो पाए। इसके अलावा मरीज के परिजन अस्पतालों में बरांडे में खाना खाते हैं, वार्डों में खाना खाते हैं, खाना वहीं छोड़ देते हैं और वो खाना कहीं इधर उधर पड़ा रह जाता है कुछ, तो उसकी वजह से भी चूहे आकर्षित होते हैं। तो हम इन चीज़ों को रोक रहे हैं अभी और इसके लिए हमने कार्य योजना बनाई है अभी कि हम पहले सबसे पहले अस्पताल की, वैसे हम साफ़ सफाई रेगुलर करा रहे हैं लेकिन इस घटना को देखते हुए विशेष रूप से फिर से इसको हम ठीक से साफ़ सफाई कराएंगे और जितने हमारे बंद कमरे भी जो पड़े हैं आसपास सारा खुलवा करके सब मैदान ठीक करवा करके और उसमें पेस्ट कंट्रोल फिर से करवाएंगे। तो जैसा आप बता रहे हैं कि चूहे के बिल में पानी भरा जाता है, चूहे सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, तो उसमें आईसीयू क्यों चाहिए? नहीं नहीं, पूरे हॉस्पिटलों में अपने घरों में भी आ जाते हैं, ये संयोग बस आईसीयू में पेशेंट है और ये पेशेंट हमारे दो है कोमा में है जैसा आपको पता है, और 2 सालों से हमारे दो ढाई महीनों से हमारे हॉस्पिटल की सेवा में है, हम लोग इनकी सेवा कर रहे हैं मरीज की, और आप देख रहे हैं मरीज को हमने भी घाव नहीं होने दिया शरीर पे, हमने अभी 2 दिन पहले उनको एयरबेड भी मुहैया कराया। मरीज वैसे हमारी सेवाओं से मेरे ख्याल से संतुष्ट होंगे, आपको जैसे मालूम पड़ा होगा, लेकिन अभी एक घटना घट गई है, इसके लिए हम कोशिश करेंगे हम कि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। और इसके लिए आईसीयू जैसे सुरक्षित जगह पर चूहे ने मरीज को पकड़ दिया है तो जनरल वार्ड की स्थिति इससे भी थोड़ी ख़राब हो सकती है। ये तो आईसीयू है, बिल्डिंग पुराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हॉस्पिटल का काफ़ी पुराना है, आप जैसे देख रहे हैं 1945 से हमारी बिल्डिंग बनी हुई है और इसके बावजूद भी हम नए कलेक्टर मैडम हमारे आए, इसके हम लोगों ने काफ़ी उनके मार्गदर्शन में चूहे को समाप्त करने के लिए काम किए हैं। आप आईसीयू के सामने भी हमने प्लिंथ प्रोटेक्शन का काम किया है, पहले चूहे उनके प्लिंथ के नीचे आ जाते थे तो चबूतरे जो बने हैं इसकी वजह से थोड़ा कम तो हुए हैं और जितना भी कोशिश करेंगे हम इसको कि ये बिल्कुल समाप्त हो, 0% पे हो जाए कि अंदर टर्माइट और चूहे का प्रकोप ना रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।